गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के समक्ष लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तो तराई का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ, तो 1191 ईस्वी में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। तो तराई का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 ईस्वी में, जिसमें कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराई के द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। तो तराई के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। और चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। तो चंदवार का जो युद्ध है वो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध जो है वो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें कि बाबर ने राणा सांगा को हराया। तो खानवा का जो युद्ध है वो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें कि बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 ईस्वी में बाबर और मेदनी राय के बीच हुआ, जिसमें कि बाबर ने मेदनी राय को हराया। तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, जिसमें बाबर ने मेदनी राय को हराया। अब हम आते हैं आगे की तरफ। घाघरा का युद्ध कब हुआ, तो 1529 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि बाबर ने अफगानों को हराया। तो घाघरा का युद्ध जो है वो 1529 ईस्वी में हुआ, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ, इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ, इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 ईस्वी में हुआ, इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। तो चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, इन दोनों युद्धों में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540। अब हम आते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो 1556 ईस्वी में हुई, जिसमें कि अकबर ने हेमू को हराया। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो 1556 ईस्वी में हुई, जिसमें कि अकबर ने किसको हराया, हेमू को हराया। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो तालीकोटा का युद्ध जो है वो 1565 ईस्वी में हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। हल्दीघाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। तो हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। अब हम आते हैं आगे की तरफ। अब हम देखेंगे पलासी का युद्ध। तो पलासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में हुआ, इसमें अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया। तो पलासी का जो युद्ध है वो कब हुआ, 1757 ईस्वी में हुआ, इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया। अब आते हैं वाड़ीवास का युद्ध। तो वाड़ीवास का युद्ध जो है वो 1760 ईस्वी में हुआ, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 ईस्वी में हुई, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध जो है
वो 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रुहेला का युद्ध कब हुआ? तो रुहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ। रुहेला का युद्ध कब हुआ? 1774 ईस्वी में। खुर्दा का युद्ध कब हुआ? 1795 ईस्वी में। इस युद्ध में निजाम की पराजय हुई। तो खुर्दा का जो युद्ध है वो 1795 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में निजाम की पराजय हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 ईस्वी में हुआ। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो 1857 ईस्वी में हुआ। भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो 1962 ईस्वी में हुआ। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ। अब हम आते हैं आगे की तरफ। भारत पाक युद्ध कब हुआ? तो 1965 ईस्वी में हुआ। भारत पाक युद्ध कब हुआ? 1965 ईस्वी में। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 ईस्वी में। और द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ? 1971 ईस्वी में। कब हुआ? 1971 ईस्वी में। और प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918 तक चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? 1939 से 1945 तक चला था। इस प्रकार हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।